आई लव यू कृष्णा जी, कसम शंभुनाथ की कतई दिल से कह रहे हैं, आप हमारे दिल में ऐसे जमकर बैठ गई हैं जैसे पापा जी के पेट में कब्ज। अब देखिए, कब्ज का तो फिर भी कोई ना कोई इलाज होता है, कोई चूरन गोली, मगर हमारे प्यार का कोई इलाज नहीं है। तो बस आपका इंतजार समाप्त, बारात लेकर आएंगे और आपको मिसेज बनाकर ले जाएंगे। जय हिंद। पंडित, तुम्हारे यहाँ पानी आ रहा है क्या? अरे तुम इधर काहे बैठे हो, तुम्हारे वाला महिलाओं वाला है। 2018 में है और अभी भी शौचालय को लेके महिला पुरुष में भेदभाव क्यों हुआ? अबे यार तुम बकैती मत करो, अगर इधर ही बैठे थे तो सुने होंगे ना हमारा प्रपोजल। अब एकदम हाथ में हाथ डालकर, आंखों में आंखें डालकर, खुले दिल से बोल रहे हैं। और सुनो, वो लास्ट में जय हिंद सही लग रहा है ना? साजन, साजन, अबे यार हम क्या बोल रहे थे कि पैरों पे खड़े होकर बोले या घुटने पे बैठकर? नहीं यार, अगर भड़क गई तो वो क्या है ना कि पहली बार लड़की को मिलने जा रहे हैं, वो भी इल्लीगल तरीके से। यार हमको तो डर लग रहा है। अच्छा सुनो, इधर ही लिख दे दीवार पर, राधे लव्स। हेलो, टॉयलेट एक प्रेम का था, अगर दीवार पे गंद मचाया ना तो तुम्हारे माथे पे टैटू गुदवा देंगे स्वच्छ भारत का। अरे गंगा घाट से लेके घंटाघर तक हर जगह तुम ही लोगों ने गोदा है। पुष्पा लव्स विजय, विजय लव्स कम्मो, नोट तक नहीं छोड़े तुम लोगों ने, उस पे भी लिख दिया सोनम गुप्ता बेवफा है। अरे लड़कियों के नाम की इज्जत बिगाड़ के रखी है तुम लोगों ने। सुन रहे हो, अगर दीवार पे कुछ लिखा ना तो वही पे आके मारेंगे हम, कह रहे हैं। तो पानी भी नहीं आ रहा है। जय माता दी जय। अरे शांति स्वरूप जी, कैसे? सब माता रानी की कृपा है। अरे सब बढ़िया से निपट गया ना? बहुत बढ़िया। ये कृष्णा दिखी कहीं? कृष्णा कृष्णा, अरे बड़ी देर से देख रहे हैं, पता नहीं तो थी। अच्छा हम बढ़िया गोलगप्पे खिलाते हैं। कैसी बातें कर रहे हो? अरे भाई मानना पड़ेगा, यही तो शेर बने थे। हाँ बढ़िया है बढ़िया है। तो बेटा बचपने से शेर बन रहे हो कि कोई कोर्स वोर्स करना पड़ता है? नहीं काका, अब घर में तो बीवी के सामने यही भीगी बिल्ली बन के रहना पड़ता। तो बस कभी कभार जगराते में शेर बन के दिल के अरमान पूरे कर लेते हो। क्यों चाचा? अरे एक और तुम्हारे साथ तुम्हारा पार्टनर था ना कोई, जो मोर बना था, कौन है कहाँ है? होगा अभी किधर। मतलब तूने फोटो भी नहीं देखा लड़के का? अरे फोटो में राजपाल हो या रणबीर, हमें क्या? अब वैसे जिस गले जाना ही नहीं उसका रास्ता क्यों देखे? हमारी जिंदगी क्या चूल्हे चौके के लिए बनी है? एक बात बता, हम डॉक्टरी वॉक्टरी छोड़ के मेहंदी ना चले बस? दीदी हमें भी प्रसाद दीजिए ना। सोच मेरी जान, अगर आज जीजा जी अपने जाने मन से मिलने पूरे कानपुर के ट्रैफिक को टीप टाप के यहाँ आ जाए अपनी कृष्णा की एक झलक पाने के लिए, तो भी तेरा दिल नहीं पिघलेगा क्या? तो अपनी बकवास बनकर प्रसाद बांट। अबे क्या कर रहे हो, बैठे हम यहाँ पे। साजन मैच यहाँ चल रहा है, तुम पता नहीं कहाँ कमेंट्री दे रहे हो अपनी। कानपुर, कानपुर से हैं। अरे तुम कानपुर से हो? अरे तो बड़े शुक्ला जी परिवार के बारे में तो जानते होगे, जरा उसके बारे में बताओ थोड़ा। बताओ बताओ शुक्ला जी। अब शुक्ला जी के परिवार के बारे में क्या बताएं आप? नाम ही काफी, 12 राशन की दुकानें, 4 पेट्रोल पंप, इतनी कंकर मिट्टी तो गंगा जी के घाट पर नहीं मिलेगी जितनी शुक्ला जी की बाटी चीनी मिलती। एक नंबर के घाट बकारा, मुंह पे गाली हाथ पे जूता कहा जा भैया। अच्छा और क्या,
अब क्या करे, अब आदमी जब अनपढ़ गवार रह जाता तो क्या करे। अरे उनके तीन लौंडे हैं ना, छोटे लौंडे के बारे में बताओ क्या करता है वो दादू। अरे गाय और राधे लाल को एक साथ खड़ा करो, पहचान में ना आए कि गाय कौन है राधे लाल का। अरे बहुत शरीफ लौंडा, बहुत शरीफ। अरे भैया अब हमको भी दे दोगे है? अरे तो अपनी कृष्णा कौन सा कम है, जिला टॉप किया जिला। कौन कृष्णा? कौन कृष्णा? अरे अपने डॉक्टर साहब की बेटी। कौन डॉक्टर साहब? बहुत ही मजाक किया हो, हम हैं डॉक्टर और कृष्णा हमारी बेटी है। तो आप डूबे जी? हम हैं डूबे। और तुम शुक्ला के परिवार के बारे में कुछ बता रहे थे ना बेटा, वो बताओ जरा तफसील से उनके बारे में बताओ। हम क्या कुछ बता रहे थे बेटा, तुम्हें बता रहे, आप लोग कहवा रहे थे बेटा, तुम बता रहे थे बेटा। अरे बेटा, अरे मेरी बात, अरे बेटा, अरे सुनो। है माता रानी, इतनी दूर से हैं आपके जगराते में, पर साथ तो बनता है। बस कृष्णा जी को हमारे पास भेज दीजिए, उनके हाथ का एक निवाला खाकर जिंदगी सफल हो जाएगी हमारी। एक दो तीन चार, हे माता रानी कहीं खत्म ना हो जाए, जल्दी आ जाओ कृष्णा जी, अब पेट नहीं हो रहा, जल्दी आ जाओ। क्यों गए? आप अपने हाथ से खिला देंगे तो सारी भूख खत्म हो जाएगी हमारी, पेट की भी और मन की भी। आप भी ना बड़े बदमाश है। सेम टू यू। पंडित जी ने कहा था कि 11 लोगों को अपने हाथों से खिलाओगे तो पुण्य मिलेगा। अबे हटो, पापी कहीं के। जल्दी उठो, जल्दी उठो। अबे तुम कहाँ से? सुन जी, तेरा खेल हो जाएगा, उठो बे। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।